आज मैं एक भयंकर बीमारी को ठीक करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये पहचान लें, ये है बाघपदी। इसको शेर पंजाबी बोलते हैं। इसके पत्ते का जो ये पत्ती दिखाई दे रही है आपको, इसका बनावट जो है शेर के पंजे की तरह होता है, इसलिए इसको बाघपदी पदी और शेर पंजा बोलते हैं। इसको इंग्लिश में मॉर्निंग ग्लोरी और टाइगर फूट भी बोलते हैं। इसके अन्य नाम भी हैं पंचपतिया, बाघपति, और इसका बॉटेनिकल नाम है आइपोमोइया पेस टिग्रिटिस। तो आप अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाओं में इसके बॉटेनिकल नाम से जान सकते हैं। इसके फूल मित्रों सफ़ेद, गुलाबी, नीले और पीले भी होते हैं। तो ये सफ़ेद फूल है, आप दूसरा देखें, ये थोड़ा नीला है, थोड़ा नीला है, ये ज़्यादा डार्क है थोड़ा। बरसात आने से पहले ही कुछ दिन पूर्व ये पौधा स्वतः ही जंगलों में खाली जगह पर सड़कों के दोनों तरफ अपने आप हो जाता है। ये पहचान लें, देखिए इसके पत्तों की बनावट और फूल और इसकी पंखुड़ियां भी दिखाऊंगा मैं। तो अब मैं इसके प्रयोग बताने जा रहा हूँ। ये जो पूरी पंचांग है, जब इस पर फूल आ रहा हो और कच्चे फल हों तो पूरे पंचांग को उखाड़ लें, लगभग 1-2 किलो उखाड़ पूरा ले लें और उसको एक मटके में भर के, मतलब सुखा लें पहले, फिर मटके में भर के ढक्कन लगा के और उपलों की आग दे के भस्म बना लें। और जब मित्रों इसकी भस्म बन जाए, ये इसी तरह से भस्म बनाई जाती है, कुछ लोग ये जो जला लेते हैं उससे भस्म नहीं बनती है, राख बन जाती है, तो उसके गुड़ खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इस पौधे को लगभग 2 किलो सुखाने के बाद में एक मटके में भरकर ढक्कन लगा के भस्म बना लें और उसको सुरक्षित रख लें। इसको एक भयंकर बीमारी जिसका नाम है दमा, अस्थमा, और ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बरसात में भी करती है। तो मित्रों जो भस्म बन गई है उसको सुबह 2 ग्राम मात्रा लेके और उसमें 5 ml शहद मिला लें, असली शहद, सुबह इस तरह करेंगे और दोपहर को 5 बजे के करीब फिर दोबारा 2 ग्राम इसकी भस्म और 5 ml शहद मिलाकर चाटेंगे। तो इस तरह से अगर 40 दिन करेंगे तो अस्थमा रोग जो है आपको परेशान नहीं करेगा और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने अपने उन गरीब भाइयों के लिए बनाया है जो अस्थमा के रोगी हैं और महंगा इलाज नहीं करा सकते, तो इसको अवश्य कर लें और इसको पहचान लें। अगर नहीं पहचान होती है तो किसानों से पूछ लें, वो बता देंगे आपको। इस तरह इसकी पंखुड़ी होती है और फूल ख़त्म होने के बाद में इस पर बीज भी लगता है। अगर आपको बीज मिलता है तो अपने गमलों में इसको पैदा कर सकते हैं। तो मित्रों ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार। नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा, कल्याण।